नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा का भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। एक बार फिर एक नया विवाद विश्वविद्यालय में आ गया है। मामला है सीनेट सदस्य मनोनयन का। क्या मामला है वो हम बात करते हैं हमारे साथ नव मनोनीत, जो अब नहीं रहे, एक दिन के सीनेट सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मनोनीत किया गया। सौरभ जी हैं, हम बात करते हैं। सौरभ जी, क्या मामला हुआ था? देखिए, 14 तारीख को माननीय कुलपति महोदय के द्वारा मुझे सीनेट सदस्य बनाया गया और 15 तारीख को मुझे शाम में व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है जो आपका सीनेट सदस्य रद्द कर दिया गया है। सौरभ, ये बताइए, आपकी जो आपको सीनेट सदस्य बनाया गया, क्या प्रोटोकॉल, किस प्रक्रिया के आधार पर आपको बनाया गया था? देखिए, मेरे कॉमर्स डिपार्टमेंट में मैं पीजी का छात्र हूँ, उसमें एक लेटर आया था ग्रेजुएशन में जिसका हाईएस्ट मार्क है टॉप 3, और जो पीजी में नामांकित है अब कॉमर्स डिपार्टमेंट पूरे मंडल विश्वविद्यालय में एक वहीं पे है न्यू कैंपस में, उसमें से तीन स्टूडेंट का नाम मांगा गया टॉप 3 का, उसमें मेरा नाम था और दो और था अन्य था, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नाम मार्क मुझे था, तो उसमें करेक्टर बना करके मुझे भेज दिया गया DSW के पास, जो ये तीन लड़का है, आप इसमें से किसी का सेंड कर सकते हैं। तो DSW के द्वारा उसमें जिसको सबसे हाईएस्ट मार्क था तो उसका फाइल बनाया गया, उसके बाद एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास गया, वेरिफिकेशन हुआ, जो यूनिवर्सिटी का प्रक्रिया होता है वो किए, और 14 तारीख को मुझे VC के द्वारा, माननीय कुलपति महोदय के द्वारा सीनियर सदस्य बनाया गया। आपका कहना है कि जो भी प्रक्रिया है, विश्वविद्यालय की प्रक्रिया है, अपनाते हुए आपको बनाया गया सीनियर सदस्य। आखिर क्या मजबूरी ऐसी आई कि 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है, आप सीनियर सदस्य बनते हैं और 15 को निरस्त कर दिया जाता है, क्या हुआ था इस बीच? देखिए, माननीय कुलपति महोदय ऐसे बहुत सारे विवाद में घिरे हुए रहते हैं और वर्तमान स्थिति से पता चलता है कि माननीय कुलपति महोदय राजनीतिक से प्रेरित हो चुके हैं। माननीय कुलपति राजनीति से प्रेरित हो चुके हैं और राजनीतिक दबाव में आके मुझे सीनेट सदस्य से बर्खास्त किए हैं, और इस मुद्दे पर कल मैं माननीय कुलपति महोदय से मिलूंगा और इससे जवाब मांगूंगा कि आपने किस मुद्दे पर मुझे निष्कासित किया है सीनेट सदस्य। छात्र संगठनों का आरोप है कि जो दीक्षांत समारोह यहाँ पर हुआ था, गवर्नर आए हुए थे, जिसमें आपके ऊपर आरोप है कि आपने नारेबाजी की थी और फिर पुलिस ने आपको उठा के अरेस्ट किया था, आप पे FIR दर्ज हुआ था, ये बात छात्र संगठनों का कहना है। देखिए, कुछ तथाकथित छात्र है जो हम पे गंभीर आरोप लगाता है, उस पे कई मामला, पहले से गंभीर मामला दर्ज है, आप देख सकते हैं कल का फोटो में, उसमें ऐसा छात्र नेता सब है जिसमें हजारों दर्जनों केस है, और वो हम पे गंभीर आरोप लगाते हैं और मेरे छवि को धूमिल करते हैं। और रही बात दीक्षांत समारोह में कुलपति महोदय आए थे, वो BNMU का सर्वेसर्वा होते हैं, तो वो सर्वेसर्वा होते हैं और वो आए, तो मैंने अपना यूनिवर्सिटी का बात रखने, छात्रों का हित का बात वहाँ पे रखा, और उन लोगों का कहना है कि काला झंडा दिखाया, ये किया वो किया, तो ये सब बात नहीं है। अगर मैंने काला झंडा दिखाया है तो वो मुझे फोटो दिखाए, प्रूफ दिखाए। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो मुझे पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती उठा करके थाना ले गया और वहाँ पे पता चला जो ये लड़का नहीं था उसमें, तो मुझे वहाँ से कहा कि आप घर जा सकते हैं। और रही बात, फिर आपको छोड़ दिया गया, FIR नहीं हुआ? जी, FIR मेरा ऊपर नहीं हुआ। अगर ये लोग गंभीर आरोप हम पे लगा रहे हैं तो ये लोग FIR कॉपी हमको दिखाए। और माननीय कुलपति महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो लोग कह रहे थे काला झंडा दिखाया है सौरभ कुमार, तो वो काला झंडा का साक्ष के बिना आप हमसे स्पष्टीकरण पूछे कैसे, आपने हमको निष्कासित कर दिया, उसका जवाब देना होगा मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को। अगर मुझे उचित न्याय नहीं मिलेगा कल, मैं कल सिर्फ और सिर्फ कल का समय दूंगा, और मुझे उचित न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और एक बात कहना चाहूँगा, जिस कथाकथित छात्रों ने हम पे गंभीर आरोप लगाया है, मैं उस पे मानहानि का केस करूँगा अगर वो सही साक्ष्य हमको नहीं दिया खाए तो। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है, जो मनोनीत किया जाता है सीनियर सदस्य को और एक दिन भी पूरा नहीं होता है उन्हें हटा दिया जाता है उनके पद से,
छात्र संगठनों का विरोध जारी है, जो जिन पर आरोप लगा है उनका विरोध जारी है, जो आरोप लगा रहे हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में जो नया विवाद उपजा है किस हद तक ये विवाद जाने वाला है, आने वाला समय ही बताएगा। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।